नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 18 मई सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को देश से अपने मन की बात करेंगे। अपने रेडियो कार्यक्रम में चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने आज सुबह इस बारे में ट्वीट किया और लोगों से सुझाव की अपील की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, 31 मई को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए मैं आपके सुझावों का इंतजार करूंगा। इसके लिए 1800117800 पर संदेश रिकॉर्ड करके भेजा जा सकता है, साथ ही नैमो ऐप या माई गाँव में लिखा जा सकता है। बांसवाड़ा के सोगपुरा गांव में नदी में नहाने गई 3 बहनों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। थानाधिकारी देवीलाल मीना ने बताया कि सोगपुरा निवासी श्यामलाल के घर उसकी बहन की 2 लड़कियां भतार निवासी 10 वर्षीय मीनाक्षी और 8 वर्षीय भूमिका पुत्री नरेंद्र सिंह गणेश ने गोद लिया है। दोनों 14 वर्षीय मनीषा पुत्री श्यामलाल अपनी बुआ की बेटियों के साथ गाँव के पास ही अम्बांदरा परमारफला नाले में नहाने गई थी। एक साथ 3 बहनों की मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र में मातम छा गया। मकान और संपत्ति हड़पने के लालच में कोटा के कलयुगी बेटे ने 75 साल की अपनी वृद्ध मां के ही कपड़े बदलते हुए फोटो वायरल कर दिए। वृद्ध मां को बेटे की इस घिनौनी हरकत की जानकारी मिली तो उसने दादाबाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दादाबाड़ी थाना अधिकारी ताराचंद ने बताया कि शिवपुरा निवासी 75 वर्षीय वृद्ध महिला ने करीब 1 महीने पहले अपने बेटे के खिलाफ फर्जी वसीयत बनाकर मकान और संपत्ति हड़पने की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। अलवर जिले के बगड़ तिराया स्टैंड के पास रामगढ़ मार्ग पर खल की बोरियों से भरे ट्रक के पलट जाने से उसके नीचे दब जाने से एक राहगीर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। बगड़ तिराया चौकी पुलिस ने बताया कि रामगढ़ के अलवर की तरफ खल की बोरियों से भरा ट्रक आ रहा था। रोजदार के फार्म के सामने अचानक संतुलन बिगड़ने से ट्रक पलट गया। इस दौरान पैदल चल रहा 62 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति ट्रक के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी कोई झेल रहा है तो वो है प्रवासी मजदूर। ऐसा ही एक मामला जयपुर के विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र के खातीपुरा में देखने को मिला है। दरअसल यहां घर वापसी के लिए मजदूरों ने बस किराए पर ली थी। इसकी परमिशन भी वे जयपुर जिला कलेक्टर से लेकर आए थे। बस खतीपुरा चौराहे पर लगा दी गई और इस बस में बिहार जाने के लिए आसपास रह रहे 30 मजदूर बस में इस आस में बैठे थे कि उनके घर सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बस जाने का समय हुआ तो परिवहन विभाग की ओर से अधिकारियों का फोन आया और उन्होंने कहा कि इस बस को परमिशन रद्द कर दी गई है। पाली जिले से पूर्व सरपंच के भाई की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या की ये वारदात रोहट थाना क्षेत्र के कलाली गांव में 2 दिन पहले हुई है। 2 बजरी माफिया की आपसी में लड़ाई का नतीजा बताई जा रही है, जिसमें एक गुट के युवक ने अपनी कार से दूसरे ग्रुप के युवक तेजाराम भाट की बाइक को रामपुरा के निकट टक्कर मार दी। इससे तेजाराम की मृत्यु हो गई। मृतक तेजाराम कलाली के पूर्व सरपंच सरदार राम भाट का भाई है। सरदार राम ने हथियारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद ही शव उठाया जाएगा। वहीं मामले से जुड़े 2 युवकों अशोक और हीरालाल ने जोधपुर के कुड़ी थाने में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान की जेलों में रैंडम सैंपलिंग शुरू हो गई है। जयपुर जेल में हालात बिगड़ने के बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जेलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कवायद शुरू हो गई है। डीजी जेल पर देश भर की जेलों का फीडबैक ले रहे हैं। जालौर के भीनमाल में तस्करी में लिप्त और पुलिस गश्त पर गाड़ी चढ़ाने के प्रयास के कारण निलंबित चल रहे डूंगरवा निवासी पुलिस कांस्टेबल का अवैध हथियार रखने का मामला सामने आने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। सिरोही पुलिस अधीक्षक कल्याण मलमीना ने बताया कि अवैध हथियार रखने वाले कांस्टेबल रमेश कुमार को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली सिरोही ने 28 अप्रैल को निलंबित कांस्टेबल डूंगरवा जालौर निवासी रमेश कुमार पुत्र हरिराम बिश्नोई के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल बरामद हुई थी, जिस पर कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा के सिकंदमा हाईवे टोल प्लाजा पर लंबा जाम लग गया है। जयपुर से जाने और आगरा से आने वाले दोनों रास्तों पर लंबा जाम लग गया। जाम के कारण 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं।
NHAI के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते, जिस कारण वाहन जलोर शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल 7 साल पहले SBI बैंक के लॉकर में रखे सोने के आभूषण अब मार्बल के टुकड़ों में परिवर्तित हो गए हैं। प्रवासी पारसमल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। जलोर निवासी पीड़ित पारसमल जैन का कहना है कि 7 साल पहले तिलक द्वार स्थित SBI बैंक में उन्होंने एक लॉकर लिया था, जिसमें उन्होंने 800 ग्राम सोने के आभूषण रखे थे। इस बीच जब उन्होंने बैंक का लॉकर खोला तो उसमें वह सोने के आभूषण मार्बल के टुकड़ों में परिवर्तित हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.